ये तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली हैं। सीएम हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूजा करने निकलते हैं तो यही राधाबाई उन्हें फूल लाकर दिया करती हैं। राधाबाई मुख्यमंत्री आवास के बगीचे का रखरखाव करती हैं और एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता देख मामा शिवराज को बधाई देने पहुंची हैं। मामा शिवराज को बधाई देते हुए राधाबाई ने जिस गुलाब के फूल को उन्हें दिया, दरअसल उसे वह सीएम हाउस के बगीचे से ही लेकर आई थी। फिर लाडली बहना का प्यार देख शिवराज बेहद भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू निकल आए। मामा शिवराज का अपनी बहनों के लिए जो प्यार है वह तो उनकी लाडली बहना योजना से झलकता ही है, और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि एमपी में यही योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। लेकिन ये योजना आखिर है क्या, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उन पर आश्रित बच्चों के पालन पोषण और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका मजबूत करने के उद्देश्य से शिवराज सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लेकर आई थी। 28 जनवरी 2023 को इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 मार्च 2023 को यह योजना लॉन्च कर दी गई। अब आप लाडली बहना योजना के फायदे जानिए। लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को शुरुआत में 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। एमपी की करीब 1,30,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस योजना का फायदा किन महिलाओं को मिल सकता है। क्या सभी उम्र की महिलाएं लाभ ले सकती हैं या किसी विशेष समुदाय वर्ग की महिलाओं को ही इसका फायदा होता है, आइए आपको बताते हैं। तो लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 21 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए और यह लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को मिलता है। इस योजना का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलता है। सभी जातियों वर्गों के लिए योजना है। आवेदक मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आवेदक के पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी वो टैक्स भरता हो। इसके अलावा यदि किसी महिला के परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पर कार्यरत है तो उन्हें भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये है मामा शिवराज की लाडली बहना योजना। हालांकि अब सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि वह इस योजना की राशि को 3,000 तक लेकर जाएंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया.com।